हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। तो आज की वीडियो में देखेंगे हम क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 3.2, सब्जेक्ट आपका मैथ। तो इसमें आप देख रहे हैं क्वेश्चन में कहा है, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, इससे पहले हम एक्सरसाइज 3.1 में सीख चुके हैं कि आपके दो समीकरण आपके पास रहेंगे और उन दोनों समीकरणों को आप हल करने के लिए दो विधियों का इस्तेमाल करते हैं। पहले आपकी हो गई ग्राफी विधि और दूसरा आता है बीजगणितीय विधि, ठीक है। और भी उसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 का जो पार्ट फर्स्ट था उसमें मैंने आपको ये चीज बताई थी कि आप जो बीजगणितीय विधि से हल करेंगे तो बीजगणितीय में आपके तीन तरीके होते हैं एक्स और वाई का मान निकालने के लिए, ठीक है। उसको हम एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। पहला था आपका प्रतिस्थापन, ठीक है, प्रतिस्थापन। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है विलोपन, और थर्ड नंबर पर था वज्रगुणा, और ये जो तीसरा नंबर है वज्रगुणा, ये आपके सिलेबस से आउट हो चुका है, ठीक है। तो आप 3.2 में प्रतिस्थापन देख रहे हैं। प्रतिस्थापन विधि बच्चों क्या होती है, देखो बीजगणितीय पर आपसे पूछता है कि एक्स और वाई का मान निकालने के लिए कौन कौन से तरीके। तो आप बोलते हैं कि दो तरीके हैं, एक ग्राफी हो गया, दूसरा हो गया बीजगणितीय, ठीक। अब बीजगणितीय में आपके तीन प्रकार होते हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रगुणा। तो प्रतिस्थापन अभी तक है आपके सिलेबस में और विलोपन भी, बट जो वज्रगुणा है वो आउट हो चुका है। तो अब आपने सिंपली क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि में हम समझ लेते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है प्रतिस्थापन का। जिन बच्चों ने पढ़ लिया है उनको आप स्किप कर सकते हैं, सीधा क्वेश्चन पर जा सकते हैं। बाकी जिनको नहीं पता, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर समझ लीजिए। आपके पास दो समीकरण रहेंगे, ठीक है। आप पहला ले लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। उन दोनों में से किसी आप एक समीकरण से क्या करेंगे, दोनों में से कोई भी समीकरण लेंगे आप, ठीक है, उससे आप एक नया समीकरण बनाएंगे, ठीक है। तीसरा समीकरण बन जाएगा, फिर उस तीसरे समीकरण का मान, अब मान लो आपने जो ये तीसरा समीकरण बनाया वो पहले से बनाया, तो आपने जो तीसरा समीकरण बनाया इसका मान आपने दूसरे समीकरण में रख देना है, ठीक है। दूसरे में रखेंगे आपका कोई एक मान निकल करके आ जाएगा, चाहे वो एक्स का निकल करके आए, वाई का निकल करके आए, ठीक है। यानी मेनली इसमें आपके दो समीकरण आएंगे, दो से आपने एक, दोनों में से किसी एक समीकरण से आपने तीसरा समीकरण बनाना होता है। पहला स्टेप जो है आपका यही होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप समझ में होंगे कि इसके अंदर क्या होने वाला है, बाकी इसके आपने एक्स और वाई का मान ही निकालना है, कोई ज्यादा से अलग इसमें कोई काम नहीं है जिसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सीधा हम आप पहला जो समीकरण दे रखा है एक्स प्लस वाई बराबर 14, एक्स माइनस वाई बराबर 4, क्वेश्चन आपने देख लिया स्क्रीन पर। अब इसको हम ले चलते हैं एक साइड में और सॉल्यूशन करते हैं स्टार्ट, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन आपने अच्छे से देख लिया है। तो फर्स्ट नंबर डाल करके सॉल्यूशन करते हैं स्टार्ट। समीकरण था आपका एक्स प्लस वाई बराबर 14, ठीक है, एक्स प्लस वाई बराबर 14। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप अच्छे से देख पाए, एक्स प्लस वाई बराबर 14। और फिर उसके बाद आपका दूसरा जो समीकरण है वह है एक्स माइनस वाई बराबर 4, एक्स माइनस वाई बराबर 4, ये आपका दूसरा समीकरण है। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1, इसको आप मान लेंगे समीकरण नंबर 2। दो समीकरण मिल गए। अब इसमें मैंने आपको क्या कहा कि दो समीकरण होंगे, दोनों में से किसी भी आप समीकरण को ले सकते हैं, चाहे आप पहला चाहे आप दूसरा। तो हम समीकरण 1 से करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 जब हम लिखते हैं तो आपका पहला समीकरण जो है वो एक्स प्लस वाई बराबर 14। यहाँ पर आपको एक्स या वाई दोनों में से किसी एक मान को क्या करना है, अकेले कर देना है बराबर के इस साइड जो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, यहाँ पे एक्स या वाई को आपने अकेला छोड़ना है। तो आप एक्स या वाई किसी को छोड़ सकते हैं, तो हम क्या कर लेते हैं एक्स को इधर करते हैं सिंगल, और ये जो वाई है आप उसको लेकर के आ जाए बराबर के दूसरी साइड। तो 14 प्लस का वाई है, इधर आके आपका क्या हो जाएगा, माइनस का वाई हो जाएगा, क्लियर है। आई होप कि आप ये सारा अच्छे से देख पा रहे होंगे। ये जो बन गया देखो, यहाँ पे आपका एक्स का कुछ मान निकल करके आ गया क्या, 14 माइनस वाई, ये आपका बन गया कौन सा, समीकरण नंबर 3। अब ये जो समीकरण आपका तीसरा है इसका मान आपने किसमें रखना है, 2 में रखना है। क्यों, क्योंकि जो आपने ये तीसरा समीकरण बनाया है, ये जो तीसरा समीकरण है वो आपने समीकरण 1 से बनाया है। अगर तीसरा समीकरण आप समीकरण 2 से बनाते तब आप ये जो x का मान निकलता उसको आप 1 में रखते, बट अभी आपने समीकरण 1 से बनाया है तीसरा समीकरण, तो ये जो मान आएगा वो आपका दूसरे समीकरण में आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स का मान किस में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक हो गया। बिल्कुल आराम से देखते रहिए, आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सॉल्यूशन को समझने में, बहुत ही इजी वे में आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 लिख लीजिए पहले यहाँ पे आप, एक्स माइनस वाई बराबर 4, कितना आपने लिख लिया है, मान आपने किसका निकाला, एक्स का।
तो जहां पर आपका एक्स है वहां पर आप लिख दीजिए 14 माइनस वाई, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट जरूर लगाइएगा, क्योंकि ब्रैकेट मैं आपको बार बार बताते रहता हूँ कि ब्रैकेट लगाना जरूरी हो जाता है जब आपके पास दो या दो से अधिक पद होते हैं एक साथ, तो आप उसके बाद ब्रैकेट खोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो ब्रैकेट खोलेंगे कोई बदलाव नहीं होगा, बट कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, बस उस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप स्टार्टिंग से ही बिल्कुल तैयार होकर के रहेंगे। ब्रैकेट खोला कोई चेंज नहीं आया, जो जैसे था वैसे हमने लिख दिया। अब देखो माइनस का वाई और ये माइनस का वाई, तो दोनों माइनस में है, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे और चिन्ह आपका माइनस का रहेगा। प्लस का 14 है, आप उसको बराबर के इधर लेकर के आएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 14। देखो अब माइनस का 2 वाई, अभी तो इधर हम कुछ नहीं करने वाले हैं। देखो 4 में से माइनस का 14 जब आप सॉल्व करेंगे बचेगा आपके पास कितना, माइनस का 10। एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं, आपने किसी से 14 रुपये उधार लिए थे, तो 14 रुपये उधार आपने माइनस दिखाए, आपने उसमें से 4 रुपये दे दिए, तो अब आपके ऊपर कितना कर्जा बचा हुआ है, तो आप कहेंगे -10, ठीक है, यानी 10 रुपये का कर्जा। और अब यहाँ पे देखेंगे माइनस इधर भी है माइनस इधर है, दोनों कट हो जाएंगे, बचेगा आपके पास 2y बराबर 10, ठीक हो गया। आगे इसमें एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों कि 2 गुणा में है y के साथ है, और इधर जब बराबर के साइड लाएंगे किसमें आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा यानी डिवाइड में, तो y बराबर आ जाएगा आपका 10/2। देखो भाग चल जाएगा तो इस तरह से y बराबर कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। अब ये जो y का मान मिला है आपको, जब एक मान होगा अचर पद में मिल जाएगा, ठीक है, संख्या के रूप में मिल जाएगा, तो आप उसका मान, क्योंकि आपको x और y दोनों का चाहिए, अभी फिलहाल आपको किसका, y का मान मिला है, तो अब आप x का मान निकालने के लिए, ये जो y का मान मिला है आपको 5, वो आप यहाँ 3 समीकरण देख रहे हैं, तो तीनों में से किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, बट बेस्ट जो है वो आप समीकरण 3 में रखिए, क्योंकि समीकरण 3 आप लगभग आधे से ज्यादा सॉल्व कर चुके होते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, या फिर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, का मान रखने पर, ठीक हो गया। समीकरण 3 लिख लेते हैं यहाँ पे हम, x बराबर 14 माइनस y, ठीक हो गया। y का मान आपके पास कितना है, 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 14 माइनस y की जगह पे 5, कितना बचेगा, 14 में से 5 घटाओगे तो बचेगा आपके पास 9। तो इस तरह से आपका x का मान आ गया कितना, 9, और y का मान आ गया 5। यही चीज आपको बस इस क्वेश्चन में पूछी गई थी। आई होप कि आप प्रतिस्थापन विधि के बारे में थोड़ी सी नॉलेज आपको हो गई होगी। अभी हम जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे आप और अच्छे से इस पूरी एक्सरसाइज को अच्छे से समझ जाएंगे। तो आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को रोक करके नोट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 यानी इसी का फर्स्ट का ही सेकेंड नंबर। इसमें आपको फिर से वही चीजें, 2 समीकरण मिल जाएंगे, दोनों को हम पहले नोट कर लेते हैं। 2 समीकरण है आपके पास, नंबर आप कर रहे हैं सेकंड। पहला समीकरण दे रखा है आपको s-t, देखो जहां पर x और y था वहां पर s और t आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम है, s-t बराबर में आ जाएगा 3। फिर आपके पास इसको, तो देखो ये आपका ऑलरेडी रैखिक समीकरण है, रैखिक यानी सिंपल सा सीधा दिया हुआ है, बट आप दूसरा देखेंगे, दूसरा आपको दे रखा है s/3 यानी s/3, प्लस आपको दे रखा है t/2 इक्वल टू में आपको 6 दिया है। अभी हम इसको समीकरण 2 नहीं मानेंगे, इसको हम पहले एक किस में ले आते हैं, रैखिक रूप में ले आते हैं, रैखिक समीकरण के रूप में ले आते हैं। ये आपने देख लिया पूरा क्वेश्चन, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है। समीकरण पहला तो आपका बिल्कुल सीधे सीधे है, बट दूसरे समीकरण को हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, एक रैखिक समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो इन दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का आप एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, देखो सिंपल सा तरीका है कैसे निकालोगे, इस तरह से आपने लिख लेना है, और ये आप बचपन से ही सीख के आए हैं। 2 एकम 2 इसमें भाग नहीं जाएगा, फिर 3 से देंगे, 3 एकम 3, फिर इन दोनों को गुणा करा दो, कितना आ जाएगा, 6। अब अगला स्टेप क्या है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 का भाग 6 में देना है, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 3 दूनी 6 2, उस 2 की गुणा आप s में करा दो, तो ये बन जाएगा आपका 2s, फिर है आपका प्लस, वापस फिर इस 2 का भाग 6 में कराओ, कितनी बार जाएगा, 3 बार, 2 3 6, 3 की गुणा t में करा दो, बन जाएगा आपका 3t इक्वल टू में कितना है, 6। अब ये डिवाइड में 6 है यानी बट्टे में 6 है, बराबर के इधर लेकर के जाएंगे तो बन जाएगा क्या, गुणा में, तो ये आ जाएगा 2s+3t बराबर 6, छंग हो जाएगा
36 ठीक हो, ये आपका बन गया समीकरण नंबर 2। अब देखो एक रैखिक समीकरण आपको मिल गया है, अब इसके आगे हम क्या करेंगे, एक तीसरा समीकरण बनाएंगे। फिर से देखते हैं बच्चों, वही प्रोसेस सेम करेंगे, यहाँ से हम तीसरा समीकरण बनाएंगे। तो सिंपल जैसे क्वेश्चन में आपको समीकरण 1 या 2, बट आप देखेंगे कि तीसरा समीकरण जो बनाने के लिए आपके लिए सरल रहेगा पहले समीकरण से। देखो आप दूसरे समीकरण से आप एस या टी को अलग करेंगे तो कुछ डिवाइड में भी आएगा, मल्टीप्लाई में भी जाएगा, तो इसलिए हम सीधा क्या करेंगे, समीकरण 1 से करेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, अदरवाइज आप चाहें तो समीकरण 2 से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप हम लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, क्या लिखने पर, समीकरण 1 से समीकरण 1 है आपका s-t। देखो दोनों में से किसी एक को आपने बराबर के दूसरी साइड लेकर के जाना है, सिर्फ मतलब एक को अकेले छोड़ना है। अब माइनस का t है, आप बराबर की तरह लेकर के आ जाएंगे तो ये बन जाएगा प्लस का t, ये बन जाएगा आपका समीकरण नंबर 3। इधर आप समझ गए होंगे ये हमने कैसे निकाला, तो नेक्स्ट स्टेप समीकरण 3 आपका मिल गया। अब यहाँ पर अगला स्टेप जो आपने करना है, समीकरण 3 का मान किस में रखना है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जिससे आपने तीसरा बनाया है तो आपने उसमें ना रख करके दूसरे वाले में रखना। तो समीकरण 3 का मान किसमें, समीकरण ये आपने बनाया है 1 से, तो ये रखेंगे हम किसमें, 2 में, समीकरण 2 में रखने पर ठीक हो गया। समीकरण 2 है आपका 2s+3t, आपका आ जाएगा =36। ठीक हो गया, अब यहाँ पर आपने मान किसका निकाला है, s का। तो मैं आपको बार बार एक चीज कहता था कि ब्रैकेट में आपने मान रखना है, तो वहां देखो अभी ये आपका काम में आएगा। अगर मान लो आप ब्रैकेट में नहीं रखते हो मान, तो आप s का मान देखो 3+t है, तो यहाँ पर सिंपल सा आप क्या रखेंगे, 3+t रखेंगे, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जब आप मान लो ब्रैकेट में नहीं रखते हो मान, तो आपका s का मान है 3+t, तो आप सिंपल इसको ऐसे रखते हैं, तो आप क्या करते हैं यहाँ पे 2q/3 से करा देते, ये इधर t का t रहता है, कोई चेंज नहीं आता। तो ये गलती हो जाती है जब आप ब्रैकेट में मान नहीं रखते, इसलिए मैं आपको बार बार एक सजेस्ट कर रहा था एक चीज की, मान जो आपने रखने हैं वो किस में रखने हैं, ब्रैकेट में रखने हैं। तो अभी यहाँ पे देखो एस का जो मान है वो हमारे पास 3+t है, यहाँ पर हम लिखेंगे 3+t, फिर +3t=36। अब ये 2q/3 करा देंगे तो 2 3 हो जाएगा 6, प्लस का ये हो जाएगा 2t, प्लस का 3t बराबर में आ जाएगा 36। 3 और 2 जुड़ जाएगा कितना आ जाएगा 5t, ऐसे ही प्लस का 6 है बराबर की तरह लेकर के आ जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 6, 36 में से 6 जाएगा, बचेगा आपके पास 30। और इधर t देखो 5 गुणा में है, तो इधर किस में आ जाएगा, बट्टे में, ऐसे आ जाएगा t का मान कितना, 5 6 30, t का मान आ गया 6। अब वापस आप क्या करेंगे, जो टी का मान निकला वो आप तीनों में से किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कहाँ पे, समीकरण 3 में रखने पर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है आपका s=3+t, तो t का मान निकाला है 3+t का मान आ जाएगा कितना 6, तो आप कह सकते हैं कि s का मान कितना आएगा, 3 और 6 कितना हो जाएगा 9, तो s का मान भी मिल गया और t का मान भी आपको मिल गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट, फटाफट मान लो इसका स्क्रीनशॉट या फिर नोट कर लीजिए। चलते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न इसको हम ले लेते हैं नीचे। अब मुझे नहीं लगता कि आपको ये क्वेश्चन थोड़े से भी लग रहे होंगे कि कठिन करके हैं, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि बिल्कुल भी आपकी प्रॉब्लम ना हो। तीसरा जो समीकरण है बच्चों, वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तीसरा समीकरण है आपका 3x-y, नंबर आप कर रहे हैं तीसरा, नंबर कौन सा है, थर्ड, थर्ड का थर्ड नंबर। तो अभी जैसे हमको दे रखा क्वेश्चन हम उसी फॉर्म में लिखेंगे, नंबर आपका थर्ड है, थर्ड में आपको दे रखा है 3x-y, 3x-y=3। और ये जो समीकरण है बहुत ही इजी सॉल्व हो जाएगा, ज्यादा टाइम आपको नहीं लगने वाला है, इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। फिर आ जाए आपका 9x-3y=, मैं आपके पास कितना 9,
यहाँ पे हमको दिख रहा है कुछ कॉमन जैसा है ना, 9 3 9 यानी 3 के टेबल में आते हैं, तो यहाँ से एक हमको 3 कॉमन मिल जाएगा, आपके पास बचेगा 3 3 3 9। देखो 3 9 का भाग, सॉरी 3 का भाग 9 में देंगे तो 3 3 9 3 आ जाएगा, एक्स का एक्स रहेगा, ऐसे ही माइनस ये 3 आपने बाहर ले लिया, बचेगा आपके पास वाई बराबर में 9, ऐसे ही 3x - y बराबर 9, और गुणा में 3 है देखो इधर आएगा किसमें, बट्टे में 3 3 9, बचेगा आपके पास 3x - y बराबर 3, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे कि समीकरण 1 और 2 क्या है, सेम टू सेम है, तो इसके लिए आपने बच्चों क्या लिख देना है, सिंपल सी एक लाइन लिख देनी है। आप देखो दो ये समीकरण, समीकरण 3x - y बराबर 3 है, 3x - y बराबर 3 है, तो आगे आपको सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने लाइन लिख देनी है कि समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 व समीकरण 2 दोनों समान है, अतः रैखिक युग्म, अतः जो आपका युग्म है, अतः समीकरण युग्म, तथा समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, बस आपने ये लाइन याद कर लेनी है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक हो गया, यानी अगर आपके दोनों समीकरण जो है वो बराबर आ रहे हैं तो आप क्या लिख देंगे कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो तीसरा नंबर कंप्लीट, चलते हैं आपके नेक्स्ट यानी नंबर 4 की तरफ। एक एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ, तो कोई भी प्रॉब्लम हो आप फिर भी कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर 4। नंबर 4 में आप देख रहे हैं समीकरण दे रखा है आपको दशमलव में। कई बच्चे क्या करते हैं, दशमलव देखकर ही डर जाते हैं, तो दशमलव देख करके डरना नहीं है, और अभी आप देखोगे कि कितना इजी हो जाएगा। तो नंबर आप कर रहे हैं 4, समीकरण दे रखा है आपको 0.2x, 0.2x प्लस 0.3y, 0.3y इक्वल टू में दे रखा आपको 1.3। ठीक है, ऐसे दूसरा समीकरण मैं इस साइड लिख लेता हूँ, दूसरा आपको दे रखा है 0.4x प्लस आपको दे रखा है 0.5y बराबर में दे रखा है 2.3। अब दशमलव देख के कई बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, बट छोड़ना नहीं है, देखो कितना इजी बना दूंगा अभी मैं आपके लिए। आप मुझे ये बताओ कि क्या हो गया, 1.5 है, ठीक है 1.5 है, इसमें अगर आप 10 की गुणा कराएंगे तो आंसर आपका क्या आएगा। ठीक है, तो कई बच्चे क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो इसके लिए हम एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, 1.5 की अगर हमने 10 से गुणा करानी है तो देखोगे आंसर सिर्फ निकल करके आएगा 15। ठीक है, कैसे निकलेगा, देखो आप 0 की गुणा 5 से कराओ 0, और यहाँ पे 0 की गुणा 1 से 0 आ जाएगा, फिर 5 1 5, 1 की गुणा 5 में, फिर 1 की गुणा यहाँ पे, पॉइंट कितने अंक के बाद है, 1। पहले हम इसको जोड़ लेते हैं, 0 5 कितना आ गया, 150, पॉइंट 1 अंक के बाद है, पॉइंट आपने 1 अंक के बाद लगा दिया, तो ये आपका क्या बन जाएगा, पूरा पूरा 15 बन जाएगा। ठीक है, यानी अगर आप दशमलव क्या है, एक संख्या के बाद है, ठीक है जैसे 6.5 है, तो आप इसमें 10 से गुणा कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 65 बन जाएगा। ठीक है, अब मान लो दशमलव जो है 2 संख्या के बाद है, 56.22 है, ठीक है, तो दशमलव क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे दशमलव के बाद 2 अंक है, और मैं बोलूँ कि इसमें अगर हम 100 से गुणा कराए तो सिंपल से क्या है, 2 जीरो हट जाएंगे और यहाँ पे 2 अंक और पॉइंट आपका खिसक जाएगा, यानी इसका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 5622 आ जाएगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि आपने 1 अंक अगर दशमलव हटाना है तो सिंपल 10 से गुणा करा दोगे तो वो आपका दशमलव हट जाएगा। क्लियर है, करते हैं अब सॉल्यूशन इसका, देखते हैं। तो सिंपल से हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 में किससे, 10 से गुणा कराने पर, समीकरण इसको आप ए मान लीजिए, समीकरण ए, और इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर बी। तो समीकरण ए आप कुछ भी मान सकते हैं, समीकरण ए व समीकरण बी में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, अब 10 से गुणा कराएंगे तो सिंपल देखो 0.2 है, संख्या है आपके पास अंक है, तो 0.2 यानी वो हट जाएगा आपका 2, और यहाँ पे बन जाएगा आपका 2x,
प्लस ऐसे 0.3 से पॉइंट हट जाएगा, बचेगा आपके पास 3y बराबर में बचेगा 1.3 है, बच जाएगा 13। ये बन गया आप समीकरण नंबर 1, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं समीकरण नंबर 2, तो ये आपका बन गया समीकरण नंबर 1। ऐसे ही दूसरा है आपका 0.4, तो 0.4 आपका बन जाएगा 4x। फिर है आपका 0.55, तो ये बन जाएगा 5y, और 2.3 है तो ये बन जाएगा 23, समीकरण नंबर 2। क्लियर है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब सिंपली जैसे अभी हम समीकरण 1 और 2, हमें दो समीकरण मिल चुके हैं, अब एक नया समीकरण बनाएंगे, चाहे आप 1 से ले लो चाहे आप 2 से ले लो। तो अब तक हम समीकरण 1 से बनाते हुए आ रहे हैं, तो इसमें हम समीकरण 2 से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण किससे, 2 से। समीकरण 2 लिख लेते हैं पहले, 4x प्लस 5y बराबर 23। एक्स या वाई दोनों में से किसी एक मान को इधर छोड़ना है, तो पहले हम वाई को ले जाते हैं इधर, 23 प्लस का वाई है, इधर आके माइनस का 5y बन जाएगा, ठीक हो गया। 4 गुणा में है, बराबर के इधर लाओगे तो उसमें चले जाएगा बट्टे में, 23 माइनस 5y बट्टे में आ जाएगा कितना, 4। ये आपका बन गया समीकरण नंबर 3। मेन आपका जो इसमें मकसद होता है या लक्ष्य होता है, एक्स या वाई को अकेले करना होता है। तो यहाँ पे आप देखो एक्स अकेले हो चुका है। अब अगला स्टेप आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, ये जो एक्स का मान निकला है इसको आप समीकरण किसमें रखेंगे। अभी देखो आपने समीकरण 2 से तीसरा बनाया है, तो अब ये जो मान आपका है वो आप किसमें रखेंगे, समीकरण 1 में। यहाँ पे आप लिखेंगे एक्स का मान समीकरण किसमें रखने पर, 1 में रखने पर। समीकरण 1 आपका 2x प्लस 3y इक्वल टू में 13। x का मान है तो अभी 2 आपका ऐसे रहेगा, ब्रैकेट में रख देंगे हम, आपके पास है 23 माइनस का 5y, और डिवाइड में आपके पास कितना, 4, ब्रैकेट क्लोज। और ऐसे ही आपके पास प्लस का 3y इक्वल टू में 13। अब 2 बाहर है मल्टीप्लाई में है, और अब इसकी क्या करते हैं, हम ब्रैकेट खोलेंगे और मल्टीप्लाई करा देंगे। 2 की गुणा आप 23 से कराएंगे तो ये आ जाएगा 46 यानी 46, माइनस का 2 5 10y बट्टे में कितना है, 4, प्लस का आ जाएगा 3y इक्वल टू में 13, ठीक हो गया। अब अगला स्टेप जो है, हर बराबर करेंगे, देखो इस 4 को हम डायरेक्ट इधर नहीं ला सकते, क्योंकि हमें यहाँ से y का मान मिलेगा, तो y का मान निकालने के लिए हमें पहले इसका हर बराबर करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था कैसे हर बराबर करना है, सिंपल जो आपके पास बट्टे में संख्या है उनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो यानी आपको पता चल रहा है कि हर कितना आ रहा है, 4, ठीक है। तो जब आपने हर बराबर किया तो आपको कितना मिल रहा है, 4, तो हम लिख लेंगे 4। फिर आपका देखो 46 और माइनस 10y तो ऐसे के ऐसे ही आ जाएंगे सेम टू सेम, तो इसके हम पूरे बट्टे में पहले इसको ठीक से लिख लेते हैं, बट्टे में आपका 4, यहाँ पे आ जाएगा आपका 46 माइनस 10y, फिर आपका है प्लस। अब यहाँ पे देखो 1 का भाग 4 में दोगे 4 बार जाएगा, और 4 की गुणा 3 से कराओगे इस 3 में, तो 4 3 हो जाएगा 12y, और बराबर में इधर आपके पास कितना है, 13, ठीक हो गया। अब आपने देखो यहाँ पे प्लस का 12 है और यहाँ पे माइनस का 10y है, तो प्लस के 12 में से माइनस 10 जाएगा, बचेगा आपके पास कितना, प्लस का 2y, ठीक है। अब बट्टे में 4 है, जब आप इसको बराबर की तरफ गुणा में ले जाओगे, और इससे पहले हम ये 46 भी लिख लेते हैं, 46 माइनस यहाँ पे बचेगा 2y, बट्टे में 4 है, गुणा में जाएगा 13 26 43, 13 54, क्या क्या सिंपल, हमने इस 4 को यहाँ पर ले गए, तो ये 13 गुणा 4 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 52, ठीक है। अब ये जो 46 है इसको आप बराबर की इधर लेकर के आएंगे, सॉरी यहाँ पर माइनस का 2 नहीं, प्लस का 2 बचेगा, ठीक है, 46 आ गया। फिर उसके बाद प्लस का 12 में से 10 जाएगा, माइनस का बचेगा 2y, 46 है अभी, 2y ऐसे का ऐसे ही रहेगा, 52 प्लस का 40 इधर आके माइनस का 40 हो जाएगा, घटाओ कितना बचेगा, 4 और 2 6 बचेगा, ठीक हो गया। 52 माइनस 46 करेंगे कितना आ जाएगा, 6, और इधर आपके पास 2y, तो y का मान निकालना है तो आ जाएगा 6/2, कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। सिंपली एक मान आपको मिल चुका है, कितना, y का मान 3। अब किसका मान निकालना है, आपने x का मान भी निकालना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे अगला स्टेप कि y का मान समीकरण आप किसी में भी रख सकते हो। तो मैंने आपको क्या कहा था कि सबसे ज्यादा आप किस में रखेंगे, समीकरण 3 में, ठीक
अब हम लिखेंगे y का मान समीकरण, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण तीसरा आप देखिए कहाँ पे है, इस जगह पर, तो यहाँ पे है समीकरण 3। हम लिख लेते हैं x बराबर 23 माइनस 5y, 23 माइनस 5y बट्टे में आ जाएगा आपका कितना 4। सॉल्व करेंगे 23 माइनस 5 गुणा वाई का मान आया आपका 3, डिवाइड में है आपका 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे 23 तो आएगा वैसे, अभी इसमें हमें कुछ चेंज नहीं करना है। माइनस 5 की गुणा 3 से करेंगे, 5 3 15 और बट्टे में कितना है, बट्टे में आपके पास 4। ठीक हो गया, तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लीजिए और इधर इक्वल में आपका एक्स रहेगा ही। ठीक है, अब तो 23 माइनस 15 करना है, 5 6 7 8 आ जाएगा। जब आप 23 में से 15 को घटाएंगे बट्टे में कितना 4 4 2 8, यानी आप देखेंगे एक्स का मान कितना निकल करके आ गया 2। ठीक है, तो अब लास्ट जो लाइन लिखेंगे एक्स बराबर 2। क्लियर हो गया, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी हो चुका है कंप्लीट। फटाफट इसको आप स्क्रीनशॉट मान लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। ठीक हो गया, उसके बाद ले चलता हूँ आपको अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, और ये वाला क्वेश्चन भी बच्चे देख करके बहुत ज़्यादा डर जाते हैं या फिर छोड़ देते हैं क्वेश्चन को रूट वाला देख करके। ठीक है, रूट देख करके क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, बट हमें छोड़ना नहीं है, हर क्वेश्चन को अच्छे से करना है और कोई भी क्वेश्चन हमको छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पर बहुत ही आराम से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हमको इस क्वेश्चन में कहा है। नंबर 5 पे आपका रूट में दे रखा है, तो रूट वाले को उठाते हैं वापस, नंबर आपका 5। क्वेश्चन आपको दे रखा है √2 x + √3 y = 0, समीकरण नंबर 1। ऐसे ही आपको दे रखा है √3 x - √8 y = 0, समीकरण नंबर 2। यहाँ से आप x या y का मान निकाल लीजिए दोनों में से किसी एक समीकरण से, तो हम समीकरण 1 को ले लेते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 है आपका √2 x + √3 y = 0। एक्स या वाई किसी एक का मान निकाल लेते हैं, तो हम ले चलते हैं वाई को बराबर के इस साइड, तो ये आ जाएगा माइनस का √3 y। एक्स है, एक्स के साथ मल्टीप्लाई में √2 है, तो माइनस का 3, ये तो आपके पास ऑलरेडी है, इधर रूट मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा एक्स में, डिवाइड में। ये आपका बन गया क्या, इक्वेशन नंबर 3। जो तीसरा आपने समीकरण बनाया किससे बनाया, समीकरण 1 से, तो आप ये एक्स का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। यहाँ पे आप लिखेंगे एक्स का मान समीकरण किस में रखने पर, 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 आपका है √3 x - √8 y = 0। मान निकाला आपने एक्स का, तो √3 को अभी हम ऐसे रखेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे इसका मान, तो एक्स का मान है √3 y बट्टे में इसके कितना, √2 माइनस का √8 y, और यहाँ पे देखो ब्रैकेट आपका यहीं पर क्लोज हो जाएगा क्योंकि वैल्यू सिर्फ नहीं है, इक्वल टू में कितना है 0। अब इस √3 की मल्टीप्लाई आप अंदर कराएंगे, तो देखो √3 की गुणा आप जब √3 में कराते हैं तो ये बनता है कितना, √9, और आपको पता है √9 किसका मान होता है, 3 का। ठीक है, तो ये देखो जब आप इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 3 और बट्टे में आपके पास कितना है √2 माइनस का √8 y इक्वल टू में 0। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे देखते हैं फिर से हम इसका क्या करेंगे, हर बराबर करेंगे, तो इसके बट्टे में ले लेंगे 1, तो माइनस, जब हम इसका हर बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा, हर बराबर करने पर 2 रहेगा, सॉरी √2 रहेगा। अब देखो माइनस का 3, जब आप √2 को डिवाइड करेंगे √2 से तो कितना आएगा, 1 आएगा, 1 गुणा आप -3 में कराएंगे तो वापस -3 आ जाएगा। ऐसे ही आगे देखना है आपने, माइनस 1 का भाग √2 से करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, √2 मिलेगा, और √2 की गुणा आप किससे कराएंगे, √8 से कराएंगे। देखो 1 का भाग 2 में दिया, √2 मिला, फिर आप का ऊपर कितना है, √8 है, तो √8 की गुणा जब आप √2 से कराएंगे कितना आएगा, √16 बनेगा, और √16 को आप क्या ले सकते हैं, 4।
ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, और ये देखो माइनस है सामने, तो माइनस का 4 y मिल जाएगा, इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 0। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे इसी क्वेश्चन को करते हुए। तो नेक्स्ट जो स्टेप है, यहाँ पे देखो रूट दो है, जब आप इसको इक्वल की तरह ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो क्या बन जाएगा, वो 0 बन जाएगा, और यहाँ पे आपका रहेगा माइनस का 4 y। देखो बट्टे में रूट दो है, गुणा में 0, 0 गुणा रूट दो करेंगे तो ये आपका 0 बन जाएगा, तो माइनस का 3 माइनस का 4 y इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 0। माइनस का 4 y है और माइनस का 3 है, बराबर कितना लेके आएंगे, प्लस का 3 बनेगा, ऐसे ही y बराबर निकालना है, तो माइनस का 4 है और गुणा में है, तो इधर आपके किस में आ जाएगा, डिवाइड में, तो इसका y का मान कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का 3/4। क्लियर है, y का मान मिल गया, अब किसका निकालना है, x का मान। और यहाँ पर बच्चों एक छोटी सी गलती हो चुकी है, और टाइम रहते हमने वो गलती पकड़ ली है। वो गलती क्या हुई, अभी मैं आपको बताता हूँ, अगर आप लोगों में से किसी ने पकड़ ली थी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गलती वो ये हुई है कि यहाँ पर देखो, जब आप √3 को गुणा √3 से कराएंगे तो रूट माइनस का 3 बन जाएगा, 3 3 9, और माइनस है माइनस बन जाएगा, बट इसके साथ क्या था, वाई भी था, तो यहाँ पे एक हमने क्या मिस कर दिया है, वाई मिस कर दिया है, यानी इस 3 के साथ आपका क्या क्या लगेगा, वाई भी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, माइनस का 3 y आ जाएगा। अब बाकी प्रोसेस पूरी सेम रहेगी, देखो माइनस का 3 y और माइनस का 4 y बन जाएगा आपका कितना, माइनस का 4 5 6 7 y, क्योंकि अगर बट्टे में रूट दो है, और जब ये जैसे भी मैंने आपको बताया, तो ये आपका बन जाएगा 0। y का मान निकालना है, देखो 0 गुणा में रूट गुणा में कितना है, -7 आ जाएगा बट्टे में -7, और आपको पता है 0 और बट्टे में कोई संख्या हो तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। y का मान मिल गया, सिंपल क्या करेंगे, y का मान समीकरण तीनों में से किसी में भी रख दो, तो मैंने आपको कहाँ बताया रखने के लिए, 3 में, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान जब हम समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 है आपका x बराबर माइनस का √3 y है, देखो ये समीकरण 3 आपका इस जगह पर है, तो y की जगह पे आपने कितना रखना है, 0, और यहाँ पे बट्टे में देखो कितना है, √2। तो आप देखेंगे किसी भी संख्या का अगर हम गुणा 0 से कराएं तो आंसर हमारा क्या आता है, 0 आता है, तो ये हो जाएगा 0 और बट्टे में आपके पास कितना है, √2, तो सिंपल, या x का मान भी कितना हो जाएगा बच्चों, 0। तो इस तरह से x का मान भी 0 आया और y का मान भी कितना आ गया, 0। आई होप कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। ठीक है, आई होप, और कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना अगर आप अच्छे से समझ गए हैं, और आपको समझ में आ रहा है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, और कोई जो भी अगर कोई डाउट हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। नंबर आपका 6 है, 6 और लास्ट क्वेश्चन। नंबर 6 में आप जो देख रहे हैं क्वेश्चन, और इसके लिए हम कलर देखते हैं कौन सा अच्छा रहेगा, कलर कुछ चेंज कर लेते हैं, येलो कलर ले लेते हैं आप, नंबर 6 आपका। ठीक है, तो नंबर 6 में जो आपको दे रखा है क्वेश्चन, अब इसको देखो ये भिन्न के रूप में दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x, पहले हम इनको क्या करेंगे, एक रैखिक समीकरण बनाएंगे, 3x बट्टे में 2 है माइनस का 5 y, फिर बट्टे में आपके पास कितना है, 3, और बराबर में आपके पास कितना, -2। ऐसे इधर आपको दे रखा है x बट्टे 3 यानी दूसरा समीकरण, प्लस y बट्टे में आपका कितना, 2 बराबर में 13/6। 3x/2 - 5y/3 बराबर -2, और दूसरा समीकरण है x/3 + y/2 और बराबर में 13/6। ये हमने क्वेश्चन जो दे रखे थे हमें, दो रैखिक समीकरण उनको हमने लिख लिया। अब सिंपली क्या करेंगे, हमको एक रैखिक समीकरण यूं बनाएंगे, तो इस वाले समीकरण को पहले बनाएंगे, तो इसका हर बराबर करोगे, देखो 3 और 2 का हम पहले भी कर चुके हैं, तो कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, सिंपल हमने क्या कराया, 2 और 3 का गुणा करा दिया, और हर बराबर करना मैं अभी बता चुका हूँ पहले। ठीक है, तो 2 का भाग 6 में 2 कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 की गुणा आप 3 में करा दो, कितना आ जाएगा, 3 3 9 x। ठीक है, फिर आपने 3 का भाग 6 में कराओ, कितनी बार जाएगा, 3 2 नीचे 2, तो 2 की गुणा आप 5 में कराएंगे, 2 5 हो जाएगा 10 y। ऐसे ही बराबर में आपको दे रखा है -2, इधर आपका रहेगा आपका 9 x माइनस का 10 y बराबर 6 2 9, ये बट्टे में 6 है, गुणा में आ जाएगा कितना आ जाएगा, -12। इसको आप लिख लीजिए अब समीकरण नंबर 1, ऐसे इसको सॉल्व करो, इसके बीच में हम एक बना देते हैं दीवार। ठीक है, 3 2 9 हो जाएगा, देखो 6, हर बराबर करेंगे,
अब उसके बाद 3 का भाग 6 में 2 बार, और 2 की गुणा x में कराएंगे तो बन जाएगा आपका कितना 2x, प्लस फिर 6 में कराएंगे 2 से, तो 2 3 6 3 बार, 3 की गुणा कराएंगे वाई में तो ये बन जाएगा 3y बराबर में कितना है 13/6। अब देखो बट्टे में 6 है और बराबर किधर लेकर के आएंगे तो किसमें आ जाएगा, गुणा में। तो ये आपका जो समीकरण बनेगा यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, 2x+3y बराबर में 13/6, बट्टे में 6 था, किसमें आ जाएगा गुणा में। और देखो ये और ये बट्टे में और एक गुणा में, तो ये हो जाएगा पूरा कट। वो आपका जो समीकरण बनेगा, देखो इसको मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, तो वो समीकरण आपका बनेगा 2x+3y और बराबर में कितना है 6, समीकरण नंबर 2। देखो अब कितना आसान था रैखिक समीकरण युग्म बनाना। अब यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन करते हैं स्टार्ट। तो दोनों में से किसी एक समीकरण को ले लो आप, तो हम समीकरण पहले हमने 1 से किया, अब 2 से कर लेते हैं, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे हमने 1 से किए, तो समीकरण 2 से भी हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 है आपका 2x+3y बराबर में 6, एक्स या वाई दोनों में से किसी एक को अकेला छोड़ना है, तो 2x अभी इसको हम ऐसे रहने देते हैं, 6+3y है बराबर किधर आएगा तो माइनस में, उसके बाद एक्स 6-3y और गुणा में 2 है, किसमें आ जाएगा बट्टे में। ये आपका बन गया कौन सा, समीकरण नंबर 3। अब हमको x का मान मिल गया, x का मान हम किसमें रखेंगे, समीकरण किसमें 1 में, क्यों, क्योंकि जो हमने तीसरा समीकरण बनाया है 2 से बनाया है। तो अब हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 नोट कर लेते हैं, समीकरण 1 आपका 9x-10y इक्वल टू में -12, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मान रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 9, और x का मान कितना है इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ब्रैकेट थोड़ा सा ज़्यादा फैल गया है ब्रैकेट में, और इधर आपके पास कितना है 9। एक्स का मान है देखो 6-3y, 6-3y और बट्टे में इसका कितना है 2, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, माइनस है आपके पास 10y बराबर में आपके पास कितना -12, ठीक हो गया। एक बार चेक कर लेते, देखो एक्स का मान 6-3y, 6-3y/2, और फिर है आपका समीकरण जो है 9 था ब्रैकेट के बाहर, एक्स का मान रखा -10 और वाई बराबर में -12, ठीक है। तो ये तो आपका समीकरण नंबर कहाँ तक था, 2 तक था, इसको भी हम यहाँ पे इसको साइड में करते हैं। अब आगे सॉल्व करते हैं, देखो 9 का गुणा आप 6 में कराओ कितना हो जाएगा, 6 9 54, यहाँ पे आ जाएगा 54, फिर इस 9 की गुणा आप किस में कराओ -3 में, तो 9 18 9 27y और इसके पूरे के बट्टे में कितना है 2, 9 की गुणा हमने 6 में कराई, 9 अच्छा कितना हो जाएगा 54, 6 9 54, फिर 9 3 हो जाएगा 27 माइनस का 27/2, इधर आपके पास कितना है -10y बराबर में कितना 12, तो हर बराबर करेंगे इसके बट्टे में 1 ले लेते हैं, तो हर बराबर करने पे आ जाएगा पूरे का कितना 2, ये तो सेम रहेगा, 2 का भाग 2 में 1 बार जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 54 माइनस का 27y। अब देखो यहाँ पे 1 का भाग 2 में दोगे तो कितना आ जाएगा 2 आएगा, 2 बार जाएगा, तो 2 की गुणा आप 10 में कराएंगे, 10 दुनी हो जाएगा कितना 20y बराबर में 12, बट्टे में 2 है गुणा में ले जाएंगे कितना आ जाएगा 24, 54 आ जाएगा, फिर माइनस का 27y माइनस का, इनको हम क्या कर लेते हैं दोनों, देखो माइनस माइनस में तो डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं, जब ऐड करेंगे तो चिन्ह तो आपका माइनस रहेगा, और 20 और इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 47y इक्वल टू में कितना आ जाएगा, देखो बट्टे में 2 है गुणा में चल जाएगा, तो 12 दूनी 24 आ जाएगा, प्लस का 54 है बराबर किधर लेकर के आएंगे तो कितना बन जाएगा माइनस का 54, तो 24 और इधर आपका आ जाएगा माइनस का 54, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखो माइनस के 54 में से प्लस आप 24 माइनस करोगे कितना बचेगा आपके पास, 4 में से 4 जाएगा 0, 5 में से 2 जाएगा बचेगा कितना 3, ठीक है। तो यहाँ तक आपने समझ लिया, और इसके बाद ये जो मान आपका निकला है उसको हम रखेंगे इसमें समीकरण 1 या 2 में। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे बच्चों, एक छोटी सी गलती हो चुकी है, वो गलती क्या हुई है यहाँ पर आप देखेंगे, हमने स्टार्टिंग में, और देखते हैं कितने बच्चों ने कमेंट किया है पहले, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2x+3y कितना है 6, ठीक है, बट यहाँ पर 6 नहीं आएगा, कितना आएगा देखो, 6 से 6 कट गया था, कितना बचा था आपका 13, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x+3y। ज़्यादा आपको कुछ गड़बड़ नहीं करना है, सिर्फ एक दो जगह चेंज होंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 13, ठीक
ठीक है, एक यहाँ पर चेंज हो जाएगा मान, और उसके अलावा जो मान बदलेगा जब आपने समीकरण 2 से देखो, 2x+3y बराबर इस 6 की जगह पे कितना आ जाएगा, 13। ठीक है, इसको भी हम साफ करके लिख देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 13 और इस 6 की जगह 13 आएगा, यहाँ पर 6 की जगह 13 आएगा, इसके अलावा इस 6 की जगह पे 13 आ जाएगा। ठीक है, और जहाँ जहाँ गड़बड़, वैसे इसके अलावा और कहीं आपको चेंज नहीं करना है, बस इतनी ही जगह पर आपको चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आ जाएगा आपका 13, और यहाँ पर 13 -3y था, इधर आगे -3y हो गया, और गुणा में 2 था बट्टे में, यहाँ पे कोई बदलाव नहीं हुआ है। फिर यहाँ पर आपने कितना लिखना है, 13 -3y, तो यहाँ पर बच्चों आप लिखेंगे 13 -3y/2, कम्प्लीट। -12 आ गया। उसके बाद इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, देखो आप 9 की गुणा 3 से कराएंगे 27 आया, और 13 की गुणा जब आप 9 से कराएंगे 13 9, या फिर 9 की गुणा 13 से कराने के बाद आपका आ जाएगा कितना, 117। और इधर आपका क्या रहेगा, -12 ऑलरेडी है, अब यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, 117। ठीक है, अगला स्टेप आपने देखो क्या करना है, प्लस का 117 है, बराबर किधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा, और देखो बट्टे में 2 है, गुणा में आ गया, कितना आ जाएगा, -24। ठीक है, नीचे की लाइन हम 1 2 को कर देते हैं दोबारा से, यहाँ पे आ जाएगा देखो प्लस का 117, इसको भी हम ऐसे ही रहने देते हैं, माइनस का देखो 27 और 20, जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो फिर कितना बच जाएगा, -47, कितना, -47y, बट्टे में 2 है, गुणा में आ जाएगा कितना बच जाएगा, -24, -47, और इक्वल में देखो 117 प्लस में बराबर किधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, -117। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो देखो चिन्ह दोनों कैसे हैं, माइनस के, और इसके साथ आपका रहेगा वाई, तो -47y, दोनों को ऐड करोगे देखो 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11 का 1, ऐसे लगा एक, फिर एक और एक आपका बन जाएगा 2 और एक आपका 3। ठीक है, देखो 117+24 को ऐड करना है, 117+24, देखो 7 4 11 का 1, ऐसे लगा एक, 2 और 1 3 और 1 4, ऐसे आपका कितना आ जाएगा, 141। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको बिल्कुल भी, जहां पर देखो ये है कि टाइम रहते हमने गलती पकड़ ली और आपको हमने गलत बिल्कुल भी नहीं कराया, तो यहाँ पे आपका -24 तो है ही ऑलरेडी, और -117, इन दोनों को जब आप ऐड कर रहे हैं तो आंसर आंसर क्या आ रहा है आपका, -141 वाई है, -141 बट्टे में आ जाएगा देखो -47 है, और इधर गुणा में है तो आ जाएगा इसमें -47 बट्टे, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 47 का पहाड़ा जब आप 3 बार पढ़ते हैं, देखो 47 गुणा आप 3 से कराएंगे, 7 2 21, 7 6 2 4 12 2 कितना आ जाएगा, 14, यानी 47 अगर हम 141 में भाग दें तो कितनी बार चल जाएगा, 3 बार, माइनस से माइनस ऑलरेडी खत्म हो चुका है। तो अब अगला स्टेप जो आपने देखा है यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, छोटी सी गलती देखो कितना नुकसान आपको छुपाना पड़ सकता है एग्जाम में, भी छोटी छोटी गलतियां आपने अभी से ठीक करते हुए चलना है। देखो हमने टाइम रहते ठीक कर लिया, वाई का मान निकल गया, हम लिखेंगे वाई का मान किसमें रखने पर, समीकरण 3 में, वाई का मान समीकरण किसमें रखने पर, 3 में रखने पर, समीकरण 3 में जब आप रखोगे तो समीकरण 3 आपका कहाँ है, ये रहा, x=13 -3y, 13 -3y बच्चे में कितना है, 2, यहाँ से आ जाएगा x=13 -3 गुणा वाई का मान पूछो कितना निकला आपका, 3, और पूरे के बच्चे में कितना है, 2, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, x बराबर जाएगा देखो 13 -3 कितना आ जाएगा, 9, बच्चे में 2, x=13 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 4, पूरे के बच्चे में 2, तो आप इजिली कह सकते हैं कि x कितना आ जाएगा, 2 दुनी 4, इस तरह से x का मान आ गया कितना, 2, और y का मान कितना आ गया था, 3। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वो हो चुका है कम्प्लीट, और जो हमारी वीडियो है लगभग 44 मिनट्स की कम्प्लीट हो चुकी है, तो फर्स्ट पार्ट इसको हम आज फर्स्ट पार्ट में कम्प्लीट कर रहे हैं, सेकेंड पार्ट में कम्प्लीट एक्सरसाइज हो जाएगी। तो आज की इस एक्सरसाइज में आपने कम्प्लीट सॉल्यूशन देखा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के, जो 6 पार्ट थे 6 के 6 पार्ट हमने कम्प्लीट कर लिए हैं, तो आई होप कि ये पूरा आप अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया या आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कि जो भी क्वेश्चन आपको डाउट रहेगा, फिर नंबर 6 हो गया, उसके बाद फिर नंबर 5, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, नंबर 5, फिर आपका इसके बाद आ जाता है नंबर 4, फिर उसके ऊपर नंबर 3, फिर उसके बाद नंबर 2, और उसके बाद नंबर 1। ठीक
ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आज हमने अच्छे से देख लिए, तो अगली जो इसका पार्ट सेकंड होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसी वीडियो के, या फिर लास्ट में आपको ऑप्शन मिल जाएगा इसका पार्ट सेकंड का, तो पार्ट सेकंड जरूर देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर सेकंड में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और आपको बता दूँ कि हमारी जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आप सभी बुक्स देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे का बहुत सर हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा सभी किताबों के जो आपके एनसीईआरटी है हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको सभी वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। और बहुत कुछ है हमारी वेबसाइट पर, जरूर आप विजिट करिएगा और देख लीजिएगा। तो सभी को शुभकामनाएं आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में पार्ट नंबर सेकंड।